स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं रियलमी सी 12 के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी का ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको जाना है होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन मैगजीन पर क्लिक करना है आपको। फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर क्लिक करना है आपको। तब स्टार्टिंग वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे आप। फ्रेंड्स, ये सभी आपको वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। ये सभी वॉलपेपर आपको डाउनलोड करके लगाना होगा, करना है या चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये जितने ही वॉलपेपर ये डाउनलोड पहले से हुआ किया होता है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसको। मैं आपको ये सेट कर बताती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आप, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, सेट एस पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आपको होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं यहाँ पर, या लॉक स्क्रीन पर, या दोनों पर। तो मैं होम स्क्रीन पर क्लिक करूँगी। ये हो चुका है, ऑप्शन हो चुका है। फिर हम उसको, तो फ्रेंड्स ये सेट हो चुका है। इसको आपको देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे इस तरीके से। शॉर्टकट आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा। तो जो भी जितना भी वॉलपेपर आपको दिखाई थी, ये सभी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये सेट हो चुका है। होम कर देंगे, होम बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये सेट हो चुका है। फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करें यहाँ पर। फिर वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे आप, फिर इस पर क्लिक कर देंगे आप, होम कर देंगे, होम बटन क्लिक करेंगे आप। फ्रेंड्स, इस तरह के ऑप्शन पर ये सभी वॉलपेपर जो है सेट हो चुका है, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। यहाँ से आप कर सकते हैं। सिर्फ ये होम स्क्रीन का वॉलपेपर है, यहाँ से सेट करेंगे तो होम स्क्रीन पे ही सेट होगा। फिर से लॉन्ग प्रेस करना है आपको, फिर से वॉलपेपर पे क्लिक करना है आपको। ये सेट कर बताती हूँ, होम क्लिक करेंगे, हो चुका। फिर से लॉन्ग प्रेस करना है आपको। इस तरीके से कहीं भी आपको जहाँ पे स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, जहाँ पे खाली हो, वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे आप। तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देंगे, सेट हो चुका, सेट कर सकते हैं। होम बटन पे क्लिक करना है आपको, बीच वाले बटन पे क्लिक हो चुका है। फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है, वॉलपेपर चुका, होम बटन पे क्लिक करेंगे आप, हो चुका है। फिर से क्लिक करेंगे, सेट हो चुका। बीच वाले बटन पे क्लिक करना है आपको। फ्रेंड्स, ये सेट हो चुका है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड वाले लगाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस पर फिर से आपको सेटिंग पर जाना है। फिर आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। फिर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन मैगजीन पर जाना है। फिर से आपको सेट वॉलपेपर पर जाना है। इस पर क्लिक करना है आपको, सेट स्टार्टिंग वॉलपेपर पर। ये लोडिंग हो रहा है, हो चुका। और यहाँ से आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। मैं पहले से ही डाउनलोड कर रखी हूँ, मैं आपको वो सेट कर बताती हूँ। आपको जाना है डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जितने भी डाउनलोड वाले जो वॉलपेपर हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये पहले से जितने भी आप डाउनलोड कर लेंगे, सभी डाउनलोड किए हुए वॉलपेपर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। इस पर करेंगे तो नहीं है ये डाउनलोड वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। सर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस पर रहेगा तो ये सभी ऑप्शन आपको सामने आएगा, जी डाउनलोड बिना डाउनलोड का है। इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको इस पर क्लिक करेंगे, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जब भी आप करेंगे सेट, तो यहाँ पे ये सेट एस का वो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से फिर से तीन ऑप्शन आता आपके सामने आता है, सेट एस लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, आप लॉक स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं, या सेट एस होम स्क्रीन लॉक वॉलपेपर, आप होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं, या सेट एस बोथ दोनों पर करना चाहते हैं। तो मैं आपको लॉक स्क्रीन पर सेट कर बताती हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक स्क्रीन पर देंगे, लॉक भी दिखाती हूँ आपको। देखेंगे फ्रेंड्स, ये लॉक हो चुका है। इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेटिंग पर जाएंगे आप,
इस तरीके से आप, और भी मैं आपको दिखा देती हूँ डाउनलोड वाले ही वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड करके लगाना है। मैं सभी डाउनलोड कर रखी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, दोबारा बता दिया आपको, ये सभी वॉलपेपर हैं। सेटस पे क्लिक करेंगे आप, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आप, बैक करते हैं इसको, मैं आपको ये सेट करा देती हूँ, उस पर क्लिक कर देंगे आप, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आप, सेटस पे क्लिक कर देंगे आप, मैं आपको ये दोनों पे क्लिक कर दिखाती हूँ, सेट करके सेट एस बोथ इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो ये होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पे हो चुका है, ये होम स्क्रीन, मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखाती हूँ, लॉक करके ओपन करिए तो फ्रेंड्स देखेंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पे सेट हो चुका है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको होम स्क्रीन पर अपना फोटो सेट करना है तो आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओपन करेंगे इसको, फिर आपको पासवर्ड रखकर इसको ओपन करना है। सेटिंग पे जाएंगे आप, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन मैगजीन पे जाएंगे आप, फिर से आपको जाना है सेटर वॉल पेपर क्लिक करेंगे आप, फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी फोटो है आप लगा सकते हैं। मैं आपको ये सेट कर बताती हूँ, सेटस यहाँ पे जो भी फोटो आप लगा सकते हैं, फोटो नहीं है मेरे पास तो मैं ये लगा देती हूँ। सेटस पे क्लिक करेंगे आप, आपको मैं ये लॉक स्क्रीन पर सेट कर बताती हूँ। लॉक स्क्रीन क्लिक, लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे आप तो इसको लॉक को देखते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये सेट हो चुका है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।